हेलो गाइस, क्रिप्टो सीरीज़ की एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे बीटीसी में, बीटीसी यूएसडी में फ्यूचर ट्रेडिंग करके देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया टर्मिनल पर। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लेस अमाउंट के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया। एंड सपोर्ट लेने के बाद ये जो स्विंग था, इस स्विंग को भी ब्रीच कर चुका है। दस मेन इट्स स्विंग बुलिशनेस, बट अगर फिबोनाची रिट्रेस यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये मोर देन 50% यानी बेहतरीन पुलबैक माना जाता है। और ये जो डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई था, इनको भी ब्रीच कर चुका है। हो सकता है अकॉर्डिंग प्राइस एक्शंस यहाँ तक रिट्रेस ले ले एंड देन फिर रैली देखने को मिले। सो यहाँ से भी एंट्री किया जा सकता है, बट रिस्की हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक इंतजार करना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिए थे, यहाँ पे पॉज लेने के बाद 30 मिनट्स, ठीक है, 2 कैंडल एंड देन फिर ब्रेकआउट। तो इट्स शोइंग वेरी बुलिशनेस एंड अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी। ये देखिए यहाँ पे जो बुलिश मूवमेंट हुआ ना, वॉल्यूम भी यहाँ पे स्पाइक हुआ है। सो इट्स शोइंग बुलिशनेस एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली लॉन्ग साइड, यहाँ पे बेयरिश साइड नहीं जाना चाहिए जिस तरह की प्राइस में एक्शन देखने को मिल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। अभी देख सकते हैं 730, 740, 780 चल रहा है, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे हिट हो जाए SL, तो मैं लेस क्वांटिटी 305 के साथ मैं एंट्री लेता हूँ। अभी देख सकते हो चुका है एंट्री एंड आवर एग्जीक्यूशन प्राइस इज 710। ओके, इंडेक्स प्राइस आप देख सकते हो, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। एंड अभी मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर देना चाहूँगा, $9 प्रॉफिट चल रहा है, $11। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे 6523, इतना मतलब बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं छोटा सा रिस्क ले रहा हूँ, छोटा सा बिल्कुल। यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियरली देखने को मिल रहा है, छोटा सा रिस्क है, कभी भी हिट हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं स्कैल्पिंग करके यहाँ पे निकल जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे $10 के आसपास चार्जेस लग चुका है। प्रॉफिट गायब, अभी एंट्री प्राइस के बिलो कर रहा है ट्रेड। And let's see, it's coming down, guys. स्कल्पिंग करने में बड़ा मजा आएगा, बट प्रॉब्लम है कि बार बार अगर एंट्री एग्जिट करोगे तो चार्जेस में चला जाएगा, सारा चार्जेस ज़्यादा है यहाँ पे। $13 लॉस, 16 कभी भी हिट हो सकता है, $30 एंड 4000 के आसपास चला जाएगा मुझे चार्जेस लेके। इस बात का भी ध्यान रखना है, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर सकता हूँ, बट अगर ये नीचे आते हैं ना तो वो यहाँ तक आ सकता है। तो इसलिए जो रिस्क लिया हूँ छोटा स्टॉप लॉस के साथ, छोटा लॉस के साथ, अगर हिट हो जाते हैं कोई इशू नहीं है, एग्जिट हो जाएंगे एंड प्रॉपर इंतजार करेंगे नेक्स्ट ट्रेड की। बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस को हिट करने ही वाला था, जस्ट थोड़ा सा रह गया एंड वहाँ से फिर स्पाइक, देखते हैं क्या होते हैं। अभी $13 लॉस चल रहा है एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो थोड़ा सा पॉज तो लेगा। मार्केट बेसिकली प्रॉपर एक लाइन बराबर तो नहीं चलते हैं, वो स्विंग करते हैं, ठीक है, एंड चलते हैं। तो लेट्स सी, ओके, हिट कर दिया है बिग कैंडल। अभी देख सकते हो 560, 550, 520 वैसे ही होता है, इसलिए तो बड़ा यहाँ पे देखिए 4000 के अप्रॉक्स चला गया। फिर भी मैंने जस्ट 25% अमाउंट को इस्तेमाल किया था 200 टाइम्स लेवरेज लेने के बाद। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, हम थोड़ा इंतजार करेंगे यहाँ पे। ओवरऑल प्राइस एक्शंस तो बुलिश है, अगर फिर से मैं एंट्री लूँगा, अगर यहाँ पे 447 के आसपास आ जाए यानी 100 पॉइंट और डाउन अगर मिले तो फिर से यहाँ पे मैं एंट्री लेना पसंद करूँगा। और गाइस आज भी मैं बाहर था, बेसिकली ट्रेड नहीं कर पाया। आज बढ़िया मोमेंट देखने को मिला था निफ्टी में, बट फैमिली क्राइसिस के दौरान मुझे बाहर जाना पड़ा आज के दिन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ट्रेड्स इनिशिएट किए थे बट नहीं चला बेसिकली। एंड 6000 अराउंड बहुत ही लेस क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया था,
तो 7000 के आसपास लॉस बुक करना पड़ा। और थोड़ा डाउन आने दो, फिर हम देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना। और वैसे भी फिबोनाची रिट्रेस में मैंने अब दिखाया कि 50% पुल बैक हो रहा है, तो हो सकते हैं रिवर्स भी ले। बट जैसा कि ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ रहेंगे और डाउन 50-70 यहाँ तक। $300 कॉन्ट्रैक्ट ही हम परचेस करेंगे। चलिए 470 के आसपास चल रहा है, लेट्स एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूशन प्राइस 462। अब देखते हैं, एसएल प्लेस करते हैं गाइस। 300 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही एंट्री लिए हैं। चलिए $40 के आसपास फिर से हम यहाँ पे ले रहे हैं रिस्क, उनके हिसाब से हमारा जो टारगेट रहेगा $138। सो लेट्स सी, BTC में ट्रेड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो बड़ा टारगेट एंड बड़ा स्टॉप लॉस के लिए जाना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा टारगेट एंड छोटा स्टॉप लॉस, ऐसा मत करिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड तो सही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो मैं करता हूँ वो ऐसा करिए, मिनिमम 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड चाहिए होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, चाहे आपको होल्ड करना पड़े। इट्स ए परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, इसका कोई मतलब एक्सपायरी डेट नहीं है, इस मंथ जाके इंट हो जाएगा। आपको अगर होल्ड करना पड़े उस टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए होल्ड करिए, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। मैं वीडियोस बनाने के पर्पस के लिए मैं यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड आप देखोगे फ्यूचर ट्रेडिंग में मेरा मिनिमम 1:3 होता है। और वैसे भी मैं स्टॉप लॉस को कभी कभी छोटा कर देता हूँ, रिस्क को लिमिट करके चलता हूँ, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर जो मेरा फीस में चला जाता है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया लेकिन फीस में जो चार्जेस है, चार्जेस ले लेता है। ये जो 300 कॉन्ट्रैक्ट 0.3 BTC को मैंने यहाँ पे फ्यूचर में बाई किया, इसमें मेरा $10 चला गया। आप सोचो 900-1000 रुपीज़ मतलब एंट्री, एंड एग्जिट में 1000-2000 रुपीज़ एंट्री एग्जिट। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट बढ़िया प्रॉफिट मिलते हैं, अच्छा खासा प्राइज एक्शन काम करते हैं। तो ये देखिए $40 जो हमने लूज़ किया था ना, उससे भी ज़्यादा मिल गया। गाइस यहाँ पे $80-90 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, इस तरह के रिट्रेस यूजली होते हैं। हमने सही जगह पे एंट्री लिया था बिल्कुल, बट आप देखते हैं अगर यहाँ पे मौका मिले कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करके, अगर टारगेट के आसपास आते हैं एंड फिर थोड़ा टारगेट और बढ़ा देंगे। बेसिकली ये ट्रेंड में अच्छा खासा मूव देते हैं, अगर हमने सही ट्रेंड पकड़ा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके रेस्ट क्वान्टिटी के लिए हम टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। $71 प्रॉफिट रनिंग चल रहा है, अभी देख सकते हैं $100 एंड कुछ क्वांटिटी का भी एग्जिट कर देना चाहिए। 800 देखिए 100 पॉइंट डाउन हो चुका है। ओके 105 एंड देखिए मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे 50% क्वांटिटी यानी $52 मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, एंड रेस्ट जो क्वांटिटी है इसको मैं थोड़ा अभी बड़ा करने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे 64 जो मैंने 52 प्रॉफिट बुक किया, और ये जो रेस्ट क्वांटिटी है इसके लिए मैं टारगेट $90 ले रहा हूँ। सो देखते हैं अभी क्या होते हैं। अभी स्टॉप लॉस इसके लिए तो मैं यहाँ पर कर देना चाहूँगा, 900 समथिंग हमने टारगेट रखा था। ट्रेंड स्ट्रॉन्गली बोलिश, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया तब से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार भी मैंने यहाँ पे बेयरिश व्यू नहीं लिया, ठीक है। जिस तरह की मोमेंटम के साथ 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस की,
और ना टाइम फ्रेम में हमने देखा कि ये जो स्विंग हाई था बेसिकली लोअर ट्रेंड में उनकी ब्रेकआउट हुआ है। हो सकता है कि इसने रिटेस्ट ले देन फिर अपसाइड मूवमेंट दे, बट करेंट प्रोजेक्शंस को हमने चूज करते हुए लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट की। एंड दो ट्रेड लेना मतलब 2000 रुपीस चार्जेस में चला गया एक्स्ट्रा, अगर सिंगल ट्रेड में मिल जाता ना बढ़िया प्रॉफिट। ये जो देखते 45,000 के आसपास देखने को मिलता, 45-46, बट क्या करें यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए सोचना चाहिए, और जो लोग इंट्राडे करते हैं मतलब 24 आवर्स के अंदर ही पोजीशन को स्कॉट अप कर देते हैं, उनके लिए चार्जेस थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज सर्वाइव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 500 पॉइंट हमने कैप्चर कर चुके, 500 पॉइंट, $52 ऑलरेडी बुक्ड। ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे तो और डिटेल्स में आपको समझ में आएगा। देखिए 52 नहीं, $53.76 हमने बुक कर चुके हैं। चले गए, रिजेक्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। येस ऑब्वियसली यहाँ पे और पोटेंशियल है कि ये अपसाइड जा सकता है, बट चलो एग्जिट करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। थोड़ा सा प्रॉफिट आज हमने बना पाया, 37,000 से स्टार्ट किए थे, लगभग 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर पाए इतना बड़ा मोमेंटम कैच करने के बाद भी। इसलिए अगर एक ट्रेड में अगर ये हो जाता तो डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट हम बना सकते थे, ये 45-46 के आसपास हो जाता राइट हमारा कैपिटल। बट इट्स ओके, स्लोली इनको ग्रो करेंगे, ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर से 10,000 से ऑप्शन सेलिंग करिए, ऑप्शन सेलिंग का भी बहुत सारा वीडियोज़ है, यहाँ पर आके ट्रेडिंग प्रोफाउंड आप सर्च कर लीजिए। एंड ये जो वीडियोज़ है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग, ये आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा, इजीली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते। अकाउंट ओपनिंग 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं डेल्टा डॉट एक्सचेंज पे आके यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बैंक एडिशन एंड विदड्रॉल में, तो उसके लिए आपको आना होगा इंडिया डॉट डेल्टा एक्सचेंज, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। एंड वहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हो एंड यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप INR में डिपॉजिट विदड्रॉ सेम डे पर ही कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।